नमस्कार, मैं हूं आचार्य भूषण कौशल और आपका बहुत बहुत स्वागत है एस्ट्रो तक में। आज हम बात करेंगे कि शत्रुओं को शांत करने के उपाय क्या है, शत्रु कैसे शांत हो, शत्रु हमारा कुछ बिगाड़ ना पाए, क्या करना चाहिए। देखिए, बहुत सारे ऐसे शत्रु होते हैं जो टांग खींचते हैं, आपकी तरक्की को पसंद नहीं करते, वो आपको बार बार परेशान करते हैं या आपके काम में विघ्न बाधाएं लाते हैं, रुकावट पैदा करते हैं। ऐसे भी शत्रु होते हैं क्योंकि वो आपसे ईर्ष्या करते हैं, उनके अंदर जलन की भावना होती है। वो कहते हैं ये इतना आगे बढ़ रहा है, मैं नहीं बढ़ पा रहा हूँ, ये क्यों बढ़ रहा है आगे, इसको पीछे खींचो, टांग खींचो। तो ऐसे शत्रुओं को शांत करने के लिए उपाय बता रहा हूँ। क्या करना है आपको, शनिवार के दिन हनुमान जी की पूजा इसीलिए की जाती है, शनिवार को हनुमान जी की पूजा करें। पीपल के वृक्ष को क्या करेंगे, पीपल के वृक्ष के पास जाइए और पीपल के वृक्ष के पास, पेड़ के पास जा कर के एक लाल झंडा और खड़ाऊँ चढ़ा कर आइए। लाल झंडा वहाँ गाड़ देंगे और एक खड़ाऊँ चढ़ा के आएंगे। खड़ाऊँ जो पहले भगवान लोग या पुजारी लोग पहनते हैं, पैरों में लकड़ी का चप्पल होता है, उसे खड़ाऊँ बोलते हैं, वो पहन वहाँ पर रख करके आना है। हनुमान जी की मूर्ति या फोटो जो भी हो घर में आपके पास अवेलेबल हो, हनुमान जी की मूर्ति या फोटो के आगे लाल वस्त्र धारण करके बैठ जाएं आप। बैठने के बाद चंदन की माला जुगाड़ करके लाइए, उसे मंत्र का जाप करना है। कौन सा मंत्र है, ओम श्री हनुमते नमः, ओम श्री हनुमते नमः, ओम श्री हनुमते नमः। हनुमान जी को लड्डू चढ़ाकर रात को इस मंत्र का जाप करना है। खूब सारे मंत्रों का जाप करिए, लेकिन उससे पहले हनुमान जी को लड्डू जरूर चढ़ा दें। हनुमान जी शांत करेंगे ना शत्रुओं को। और ऐसा प्रयोग लगातार 11 दिन तक आपको करना है। यानी क्या क्या करना है भाई, पीपल पे झंडा चढ़ाना है, वहाँ खड़ाऊ रख के आना है, हनुमान जी के लाल वस्त्र पहन के उनके सामने बैठ करके उनको लड्डू चढ़ाना है और ओम हनुमते नमः का जाप करना है। और एक बार में शत्रु ना शांत हो तो दोबारा फिर 11 दिन के लिए फिर करिए, 11 दिन करते रहिए, शत्रु जरूर शांत हो जाएगा और फिर आपके जीवन में सुख शांति आएगी, आपके बिगड़े हुए काम बनेंगे, विघ्न बाधाएं नहीं आएंगी, शत्रु आपका कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे। तो ये कर लेना, लेकिन मुझे तो इजाज़त, नमस्कार, राम राम।